राम राम सुन मन पीरे, हर हर नाम अमृत रस मीठा, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे, राम राम सुन मन पीजे। माल कैसा फिर को तो कोई कोई जानता है, सबका ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म सतगुरु मानी है। उसमें हम सब सतगुरु की पूजा नहीं करते, माल की पूजा नहीं करते, मन की करते हैं। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव मन व्यापी, ये अपने दायरे से किसी को बाहर नहीं निकलने देता। गुनान साहब फरमाते हैं मन मैंगल थक दीवाना, मन खंड माया मोह हैराना, इत चाले काल के चापे गुरमुख खोज ले कर आते। मन एक मस्त हाथी की तरह है जो मोह माया विषय कर्म के जंगल में भटका फिरता है। कभी स्त्री के प्यार के बच्चे की मोहब्बत, कभी नाच, कभी रंग तमाशे में ये फिरता है, कभी कमो मजबू के बखेड़े, कभी देशों के बखेड़े इसमें उलझाए रखता है। इत चाले काल के चापे, ये काल का एजेंट है, उसकी अंश है, उसके हुक्म में है। इसका काम क्या? जीव को भ्रमाना भटकाना, कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं ताकि कोई जीव निकल ना जाए। सोचना, इसका काम यही है। इसको ईश्वर दिया उसने क्या? इंद्रियां, फिर भोग, इनका आपसे मेल है। इसके हथियार क्या है? काम क्रोध लोभ अहंकार। मन ने छाण विषय रस, विषय ने मन को छाण, इनका यही स्वभाव है। पूरी लागी गार एक दूसरे से मिले हुए हैं, सबको भरमा रहे हैं। इसके बचाव की सूरत सिर्फ गुरु को शरण है। इत चाले काल के चापे गुरु खोज ले कर आपे। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वसकीना, तन धन सर्व सपना प्रभु जन को दीना। कोई बदलेंगे हरिजन, हरिजन सूर मनु तेरी आदत ने का है। एक गुरु शरण में यही दर्द साहब कहते हैं कि मैले भी ही पैदा करता है, सफाई भी ही करता है। मानी सो मल उपजे, मानी सो मल धोई, सीख चले गुरु साध की तो निर्मल धोई। मन का मस्त मुंगिए, काम क्रोध के केस, दादू विषय विकार साहब सतु के उपदेश, उनके हुक्म से परे काल ही काल। सतगुरु शब्द लंकार जन को इस खिजाई, दादू पग पग काल जहां जायता खाल। सतगुरु वाद्य शिश करे क्यों कर बंचे काल, दादू देखत बह गया पानी खोड़ी पाल। उनके हुकुम परे जैसे पानी टूट जाता है, बांधना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही है। देखो लक्ष्मण ने सीता कार काली, जब पैर बाहर निकाला तो पकड़ी गई, बस सीत रही है। क्या कहते हैं रामदास? हाँ फिर बोल रामदास। हाँ राम 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 सुन मन पीजे, हर हर नाम अमृत रस मीठा, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे, राम 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 सुन मन पीजे। उनकी भक्ति काबिले तारीफ है, ऐसे हरेक नहीं कर सकता। मन से मुकाबले किए, जब गुरु अमरदास ने थड़े बनवाए सब भाग गए। वो लगे रहे मन से मुकाबला रखते गए। यही कहते हैं क्या कि सबसे बड़ी भक्ति क्या है? मन को बस करना। सबसे बड़ी बात क्या है? मन को काबू करना। सबसे बंदगी क्या है? इसको काबू करना। सोच लो, बड़ी सख्त मेहनत की उन्होंने, पिछले सब ग्रंथों का निचोड़ क्या है? तप ज्ञान मन वासना नाश, मन को काबू करना। प्राणी श्री पढ़ के देख लो, ऋषि मुनि ने बड़े बड़े जप तप किए, किसी से काबू ना आया। 88,000 साल तप, कौन हारी दख पे एक दफा जीव मारना, पानी पी लेना, उसके काबू ना आया।
प्राचुर्य पूर्ण योगियों को आए उसके काबू ना आया, मिशनदेश देश ही निकल जाता था, इतनी ताकत थी, फिर भी मन काबू ना आया। ऋषि श्री रामचंद्र कहते हैं, अगर कोई कहे कि मैंने हिमालय चुक लिया, उठा लिया, है तो मुश्किल, मानने वाली बात नहीं, मैं वो भी मान जाऊंगा। अगर कोई कहे मैं समुद्र पी गया, मानने वाली बात तो नहीं, मैं वो भी मान जाऊंगा। अगर कोई कहे हवा को रोक लिया, ये मानने वाली बात नहीं, वो भी मान जाऊंगा। अगर कोई मन को काबू कर लिया, वो मानने को तैयार नहीं। जितने झगड़े से मन ने डाले हुए हैं दुनिया में, कौम मत विष ने बनाया, सोच लो मुसलमानों के 72 फिक्र बन गए, सिखों के 50-60 फिक्र बन गए, ईसाइयों 20-25 बन गए। आप में नफरत कौन पैदा करता है? मन। लड़ें झगड़े कौन करता है? मन। सोच लो, ये नहीं। अगर ये कहे ये नहीं, इसका इलाज नहीं, इलाज भी है, जहां बीमारी इलाज भी है। दल सब कहते हैं जहां जहर एवं त्रयाक भी है, विष अमृत घट में बसे, दोनों में पिट्ठा दादो विषय विकार विष अमृत हर का नाम। जितने महात्मा मल की दरगाह में गए हैं, नीचे भी हैं, सो सच्चे मल की दरगाह में सत लोग गए, अमर लोग गए, मुकाम हक गए, सबकी एक ही तालीम है। क्या किसके अंदर शब्द की धार आ रही है, नाम की धार आ रही है, उसमें अमृत है। अमृत एक शब्द नानक पाया, जब उसको पीता है फिर काबू आता है। और कोई इलाज नहीं। क्या कहते हैं? रामा राम रामो सुन मन भीजे, तो राम जो जर जर में रमा हुआ है, रामो क्या धन रूप में शब्द रूप में, जब वो सुनता है फिर ये काबू आता है। इसका मतलब ये राम जपने का मजबूत नहीं, तो सुनने की भी चीज है। सोच लो, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरुमत सहजे पीजे। सोचो, ऐसे तो राम राम सारी दुनिया करती है, लेकिन राम चाह रहे हैं कि सामने कहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कट कट में बैठा, एक राम का शक्ल पसारा, एक राम सब मुझसे न्यारा। एक तो वो जो श्री रामचंद्र जी आए हैं, काम किया अपना चले गए, एक राम कटकट में बैठा, ये मन है जो एक सकल शरीर, इस मन को रब रहे कबीर सबके अंदर है। एक राम का शक्ल पसारा जो श्री की रचना करता है, वो भी रमी हुई ताकत है। एक राम सब उनसे न्यारा, वो न्यारा जो सबको जिंदगी और ताकत है, सबको वहीं से ताकत मिलती है। तीन गुण की भक्ति में भूल रहा संसार, कहने कबीर सतनाम बिन कैसे उतरे पार। ये चौथा है वो सत सतनाम, नाम रूप में सबको जिंदगी दे रहे, वो आला से आला उसमें लज्जत है, नीचे भी लज्जत है, लेकिन वो आला से आला लज्जत है। गुनान साहब मक्के गए, नींद से बात चली, तूने फरमाया 9 दरवाजे कोट दे, 10वां नूर महल, हौज हाथी पुर भरे, तिस विच कमल चल। कि श्री मंदिर है, इसके 9 दरवाजे बाहर हैं, 2 अंकों के, 2 कानों के, 2 नाक के, 6 एक मुंह का, 7 दो टट्टी पिशाच। 10 मंदिर खुलता रे खोल ले, हौज हाथी पुर भरे, तिस विच कमल चल। अंदर अमृत के हौज भरे पड़े हैं। आला से आला कौन सा है? कमल का, जिसको 10वां दौर कहते हैं। नीचे का कहीं ना पिया है, विषय में कहा है तेरी कायर है मस्त पी ले रे नाम की बूटी। तो फिर क्या कहते हैं? ब्रह्मा पी, विष्णु पी और पी शक्ति, दास कबीर ऐसी पी आवागम छुटकी। ये तो उन्होंने ऐसे नहीं, उनकी पूजा कुछ हासिल किया है, लेकिन मैंने ऐसी पी है कि मेरा आवागमन का चक्र मिट गया, उनका नहीं, वो नीचे दर्जे का, वो बहुत दूर अमृत, वो तो लोग किस पार जाकर मिलता है। उसमें मिठास है, कैसा मीठा है वो, फीदा शक्कर खंड नवात गुड़ मक्खन मज्जा दूध सब वस्तु मिठिया रब न पूजन तो सुन कर्म कोई लज्जत नहीं। हर हर नाम अमृत रस मीठा, अगर वो पी ले सब लज्जतें फीकी लगने लग जाती हैं।
इसका मतलब ये है वो पीने की भी चीज है, चखने की भी चीज है, कभी ख्याल किया किसी ने भी, सुनने की भी चीज है, चखने की भी चीज है। सोच लो पिया कैसे जाता है, गुरमत सहजे पीजिए। दो मत हैं, गुरमत और मनमत, सारी दुनिया मनमत में, मन के पीछे है। मन अंतर बोले सब को मन मारे बिन भक्त न होए, सब मन के मतायत है। जो ये कहता करते हैं गुरमत उस फकीर के पास है जिन्हें वो लज्जत ली है, सदगुरु के दरबार में गया है, सदगुरु के पास पहुंचा है, उनके जरिए हम नाम का रस ले सकते हैं, उन्होंने पिया है वो सिखा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल कोर्स है। वो क्या कहते हैं, तन का प्यास छोड़ दे, विश्व का छोड़ दे, चल अंदर। जीव को तीन प्रकार की कामनाएं लगी हुई है, धन इकट्ठा करने की, विषय विकारों के मन, तन का मान और सुन्नत जाए, इस घोर जात में फंसा पड़ा है। कितनी दौलत मिल जाए इसको पेट नहीं भरता, ले लो, कितनी लज्जते ले ले मन सैर नहीं होता, कितनी खूबसूरती मिल जाए सोच लो आगे बनाओ शिकार में लगा पड़ा है, इसमें फंसा पड़ा है ये। जब तक इनसे आजाद नहीं होता, अनेक बंधन और हैं, बंधन मात पिता संसार, बंधन सत्कर्ण और नार, बंधन कर्म धर्म किया, बंधन पुत्र दिया, बंधन वेद, ये बंधन तोड़े तो अंदर जाए, फिर आत्मा आजाद हो, फिर लज्जत ले, कैसे ले सोच लो। वो ये छुड़ाते हैं तन का प्यार विषय का। हाँ जी हाँ जी बगैर संतों के जिन्हें मन काबू किया है, कि काबू नहीं आता। जिस वक्र को लैंड तू आया, राम नाम संतन घर पाया, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वह है बापो कार मिनल की राह बतावे। जब तब तीर्थ व्रत करे बह तेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से भेंट ना हुई, पलटू ये है प्राण पर आज से तेरा अंत, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, दूसरी संत है वो इस नाम को प्रकट करने की पूजा सिखाते हैं, उनको प्रकट करना सिखाते हैं। हाँ हाँ जी नाम क्या चीज है, वो लिखने पढ़ने की चीज नहीं, इन लफ्जों में नहीं, नाम डोर है गुप्त को नहीं जानता, ने अक्षर ने रूप दिश नहीं आता। अगर इन लफ्जों में हो, हिंदी पंजाबी के हो तो हमारे लिए, अंग्रेजी के तो उनके लिए, अरबी फारसी के तो मुसलमानों के लिए, फिर तो मालिक एक दोस्त, एक काम से दोस्त एक से दुश्मनी होगी, वो अलग चीज है, वो मालिक की अपनी बोली है। हर नाम अचरज प्रभु आप सुनाया, कली काल विच गुरमुख पाए, वो मालिक की अपनी बोली है, ना हिंदी है ना पंजाबी है ना अंग्रेजी है ना, वो उस दुनिया की चीज ही नहीं, शिशु मंडल में जाकर मिलती है। इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसे मन आए, गुरुमंत नगरी खोज खजाई, हरा नाम पदार्थ पाई, वो अंदर जाकर मिलता है। कुदरती आवाज है, रेडी वेज की सर सब जगह है, सारी रचना कर रही है, नाम के धारे सगले जन, नाम के धारे खंड ब्रह्मण, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगलाकार, वो अनुभव की चीज है। गुनान साहब मिठन कोट गए, नाम यह मिठा फकीर मिला, वो कर्मी धर्मी था, फरमाया मियां मिठा सच्चे नाम के बगैर जीव का कल्याण नहीं, छुटकारा नहीं, जन्म के बंध नहीं छूटते। कहने सच्चे नाम क्या चीज है, सच्चा नाम एक मौलिक वास्तु है जो कहने सुनने से परे है, फिर भी जी कैसे पता चले, वो अनुभव की चीज है। तो कैसे हो एक तरफ ले गए, अब कर्म धर्म से हृदय साफ हो जाता है, हृदय को साफ था, जरा तवज्जो दी तो कहने लगा मुझे ऐसे पता लगता है मेरे रोम रोम में नाम की लहरें चल रही हैं, रोम रोम रवे हर नाम सदगुरु पूरे कीनो दान। वो अनुभव की चीज है, उसके लिब लगाए ये असली गुरमत है। नानक बुझो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिब लाया, बिन देखे बिन अर्श पर्श के नाम लिए का होए, धन के कहे धनी जो होए, निर्धन रहे न कोए। हम जी जपते हैं रोटी, रोटी कहने से तो कुछ नहीं बनता, रोटी बनाए खाए तभी लज्जत आएगी, पेट भरेगा, विचकने की चीज है, लज्जत लेने की चीज है। रसना राम कहते थाको, पानी कहत कभी प्यास बुझे, प्यास बुझे चखो चखे,
ये तो लफ्ज है, वो चीज है कोई, यही मुसलमान फिर कहते हैं इसमें रखवानी रहो मुसम्मी रह बजो बे मुसम्मी इसमें क्या भाषण को, जिसको तो जिसका नाम ले रहा है राम राम अल्लाह अल्लाह बाग बाग करता है, उस नामी को ढूंढ, उसके बगैर नाम लेना क्या नेकी देगा। हाँ जी, ये अनुभव की चीज है, ये चीज है, हाँ सबके अंदर है। हाँ जी, हाँ जी। हर हर नाम अमृत रस मीठा, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहज पीजे, राम 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 सुन मन पीजे, राम 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 सुन मन पीजे। ये जिंदे मरने का सवाल है, जिंदा मरना क्या ताप राखे घर आने, ये तुम्हारे हर नाम बखाने, जिंदा मरना क्या कब्रों में जाना नहीं, मरते वक्त क्या होता है, देश कल टूट गए, कमक टूट गए, यार दोस्त टूट गए, माँ बाप बहन भाई टूट गए, देश भी निकल गया, जिंदगी में ये हालत प्राप्त करे, इस जिंदगी में मुआ जित कर जाइए जीव दे मर मार, जब मर्जी दे में आए मरता मरता जागूंगा, सच्चा मुंह न कोए दास कबूरा यूं हुए मोहर न मरना हुए, मरिए तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सौ सौ बार, यही हाल प्राप्त करे क्या देशों तल टोड़े, हमारे देश नहीं, कौमें हमारी नहीं, यार दोस्त हमारे नहीं, माँ बाप बहन हमारे नहीं, तन भी हमारा नहीं, जो तन अपजा संगी सो भी संग ना होया, सिमर करके जल चिंतन कांड खोले, ख्याल कम पीछे इकट्ठा करे, यहां मौत की घाटी है, इसको भूल कर जब मर्जी आए जब मर जाए, एक ख्याल इकट्ठा करना है, जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती तो हम ऐसे माथे पर हाथ रख के बैठ जाते हैं, पूरे ख्याल से सोचते हैं, या कोई बारीक से बारीक आवाज ऐसे सोचते हैं, हाथ पांव सो जाते हैं, कोई तकलीफ तो नहीं, फिर ठीक हो जाते हैं, अब उस वक्त टांग पे खड़े हो हाथ से कुछ चीज उठाओ नहीं उठाई जाती, उठ नहीं सकता, ये हेल्प प्राप्त करें फिर ठीक हो जाती है, बस इसी तरह ही है, देश ही निकले जर चिंतन खोले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, इसको कहते जिंदा मरना, यहां से सुनाई यहां से रास्ता मिलता है, इसके मुतल्लिक रामदास ने फिर नौ दा ठाके तात रहाए, दस में निज कर वासा पाए, उते अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमति शब्द सुना बने, वहां सुनता है ये सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है, वो इसके घर का रास्ता है, अगर उसे तल पड़ जाए समझ मालिक से तल पड़ गए, शब्द मिले तो हर मिले सिर्फ बहुत सत्ता है, सुत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कबीर तह देखिए बैठा पुरुष मार, शब्द बिना सुतंत्री कहो कहां का जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर तो भटका खाए, मन से डरता है, दोस्त पेशज मर गर में खो जिंदगी, दोस्त अगर तू मरने से पहले मर जाए तुम्हें एक नई जिंदगी मिल जाएगी, जैसे गंध से निकल जाए बगीचे में चला जाए, ये गुरु नानक सब कहते हैं, मरने से सब जग डरे जीव नहीं लड़े सब कोय, गुरु प्रसादी जीत मरे हुक्म मुझे सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे तो सदजीवन हो सदक मिल जाए। हाँ हाँ जी, सब फकीरों की एक ही ताली है, दादू पहले मर रहा हो पाछे मेरे सब को है, एक्सेप्ट माइंड बार ना न्यू ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ हेवन, सोच रहा हूं उन्होंने यही कहा है सबके, यहां से तो रास्ता शुरू होता है। हाँ हाँ जी, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहज पीजे, राम 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 सुन मन पीजे, ये सख्त मेहनत का काम है, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन धन पाया, सोचो ये थोड़ा थोड़ा भी करे कोई ना कुछ बन जाता है, करता ही नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ काष्ट में जो है बसंतर मत संजम काट कड़ी जय,
काष्ट में जो है बसंतर मत संजम काढ़ खनिज। राम नाम है ज्योत सबाई, राम नाम है ज्योत सबाई, तत गुरमत काढ़ नहीं जै। राम राम सुन मन पीजे। लकड़ी में आग ऐसे तो नहीं पता चलता, पहले क्या करते थे एक दूसरे बसाते थे, फिर चिंगड़े निकलते थे, पहले रुई रखते थे आग बनाते थे, या तीली लगा लो तब जलेगी, जलने से मिलेगी आग। इसी तरह राम नाम है ज्योत सवाई, वो राम नाम एक ज्योत है, सत के अंदर है। कैसे निकलती है? गुरमत से। गुरमत क्या है? तन का प्यार छोड़, विश्व कर छोड़, खूब स्मरण कर, ये गुरमत है। इसका नाम गुरमत है, तन का प्यार छोड़े, विश्व कर छोड़े, सिम कर करके देखो खाली करे, फिर वो जो से तले पड़ता है, वो जो सबके अंदर है। आप मंदिरों में जाओ, गुरुद्वारों में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, सबके अंदर ज्योतें जगती हैं, सबके अंदर घंटे शंख हैं। ये है क्या? ये ज्योत सबके अंदर दिखाया था उन्होंने, नमूने हैं, सबके अंदर घंटे शंख बजते हैं, सबके अंदर ज्योते हैं। वो ज्योत देखनी थी, ये बाहर की ज्योतें भी फंस गए थे, समझाने के लिए थे। जैसे बच्चों को मिट्टी की चीजें बना लेते हैं खिलौने, या सेब बना लिया, केला बना लिया, पूछते हैं ये क्या है? केला है तो नहीं, है तो मिट्टी। ये क्या है? संतरा है तो नहीं। ये नमूने थे हमारे समझाने के लिए, नमूनों में फंस गया, असली ज्योत अंदर है। अगर ज्योत को प्रकट करें फिर ये खालसा बनता है, पूर्ण ज्योत जगे कट में, तब खालसा तो निकाल जाने। ये जिंदे मरने का सवाल है, जिंदा मरे जो से तल पड़े सत तक से, फिर सनातनी मनता। अब मनु सनातन हुआ तब जाने, जब जीत हुआ ये रूह काफी साफ हो जाती, जब साफ हुई ये आर्य बन गया, ये नामधारी बन गया। इसी का नाम सच्चा श्रद्धा है, अंदर नाम को प्रकट करना। सच्चा श्रद्धा हर नाम है, सच व्यापारा नाम, गुरमुक्ति हर नाम अणजीत मूल फारा नाम, एक का बाणी एक गुर एक शब्द विचार, सच्चा सौदा हर सच रत्नी पर भंडार, फिर तो सब कुछ बन जाता है। ऐसे निरंकारी बनता है। गुरुमुख राग स्वाद अंत त्यागे, गुरुमुख एमन भक्ति जागे, अनल सुन मन मान्य शब्द विचारी, आत्म चीन भय निरंकारी, यहां से रास्ता मिलता है। हाँ हाँ जी, फिर सब कुछ बन जाता है। हाँ हाँ जी, ऐसे ठेके लिए बैठे हैं, कैसे बने बाहर? जैसे कोई डॉक्टरी में दाखिल होता है, उसी रोज से कहने लग जाते हैं, आओ जी डॉक्टर साहब, बना तो नहीं, बनेगा तो जब कोर्स करेगा, ऊपर से तो सब बने, कोर्स किसी ने भी ना किया। हाँ हाँ जी, कास्ट में जो है बसंतर मत संजम काट कड़ीजे। देख लो लकड़ी घसा घसा करते थे, कितनी मेहनत करते थे तब निकलती थी, ये भी इसी दी है, सिमन घसा सिमन से। हाँ हाँ जी, काष्ट में जो है बसंतर मत संजम काट तरीजे। राम नाम है ज्योत सबाई, राम नाम ज्योत सबाई, तत गुरमत काट लईजे। राम 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 सुन मन पीजे, राम 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 सुन मन पीजे। नौ दरवाजे नवे दर पी के रस अमृत दसवें चुवीजे।
दरवाजे नवे दर पी के रस अमृत दस में चुमीजे। कृपा 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 कर प्यारे, कृपा 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 कर प्यारे, गुर शब्द हरी रस पीजे। राम 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 सुन मन पीजे। ये असली मंदिर हर मंदिर श्री ज्ञान से प्रकट होए। इसके नौ दरवाजे बाहर हैं, दो अंकों के, दो कानों के, दो नाक के छे, एक मुंह का सात, दो टट्टी पिशाब के। नौ दरवाजे नवे दर फीके, इनमें गंदा है, आंखों में गिड्डा है, कानों में मैल है, नाक में सींड है, मुंह में थूक है, और इनके जरिए से संस्कार लेते हैं। जितने पाप इनके जरिए इकट्ठे करते हैं, मेन तीन है, आंख कान और मुंह। आंखों से देखते हैं चीजें, बीबियों को देखते हैं तो काम सताता है, पैसे को देखते किसी पास दोस्त आता है, ये फंसाने के जरिए है। दुश्मन को देखते क्रोध आता है, डंडा उठाने के लिए तैयार हो जाता है। बच्चों को देखते मुस्क आता है, अपना रूप देखते अहंकार आता है, मेरे जैसा कोई है, इसलिए कानों के जरिए जी भी बात सुनते हैं, फिर भी काम, बच्चों की दुख सुख की बात सुनते भागने को तैयार होता है, खाट पे पड़ा है उठ नहीं सकता, दुश्मन की बात सुनता डंडा उठाने को तैयार हो जाता है। देख लो, पैसे की बात सुनता फलाने इतने फलान जगह गया कमाया, मैं भी वहां जाऊं, अपने मान बेड़े की बात सुनता है, बात फूला नहीं समझता, अहंकार में करता, सोचो जुबान ये सबसे गंदी है, ये जीव सबसे गंदी है, इसके लिए तो स्वाद चाहिए बस। उठो जिंदर जीव की, चाहे छठ स्वाद या दोष हो या गुण करे, जन्म जागरण इसको क्या, इसने अपनी लज्जत लेनी, ये फसाने के जरिए है। जिन जीता जीव को तुम जीती सब दे, चंदा कहता है मुक्ति धाम फल ले, जीव बाके जीते बिना जन्म गए सवार, चंदा शिव कहता है वह जन्म फल। ऐसे बर्बाद कर गए, चोरी ये करवाते क्या क्या नहीं करवाते। हमारा एक अफसर था किले में, किले में सब कुछ होता है, वहां से आम उठाया टट्टी में जाकर खाया। बोलो अफसर होते हुए देख लो, टट्टी में जाकर खाया, चोरी उसने करवाई, क्या क्या नहीं करवाती है। इससे ज्यादा बातें कर करके संस्कार लेता दुनिया के, देख तभी काला होता है हरबन चितान, क्या कहिए समझे नहीं दादू से ज्ञान, बातें कर कर दुनिया ख्याल में दादू बहु को वासी मन बाय भूत हो जाए, दादू बहुत न बोलिए सहज रह समाए। सोच लो ये सबसे ज्यादा तीन ही है, आंख कान मुख बंद कराओ, आना चिंगा शब्द सुनाओ, चश्म बंद हो गोश बंद हो लब बंद, करना भी नहीं सरे हक पर मन बंद, क्या आंखें बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, कान बंद कर ले, फिर तेरे पर माल का राज ना खुले तो मुझे आप पकड़, सिमर कर अच्छी तरह। ये ख्याल में काले इनसे ज्यादा संस्कार लेते हैं। नौ दरवाजे नवे दर फीके रस अमृत दस में चुजे। ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा करे, यहां अमृत बरसते, यहां से शुरू होता है। अभी सुनाया था गुनान साहब का, नौ दरवाजे कोड़ते दसवें नूर महल, हौज आती पुर भरे तीस बीच कमल चल, अमृत के हौज भरे पड़े हैं, फिर आगे जाए क्यों नहीं जाता, अंदर भी पैरे लगे हुए हैं। युद्ध महल दे कोट है बावन किंगरे तीस किंगरे किंगरे तोपची वर्णन गंदे किस, किलों को मिसाल देते हैं, वहां किंगरिया ऊपर किंगरों पे आदमी बैठा देते थे, जो हमला बड़ा आए वहां से बंदूक चलाए तो कोई चलाए, अंदर भी है। सात समुंदर खाइया नदियां अंत न पार, कई रखवाले सूर में प्यादे के सवार, अंदर भी फौजे हैं। बारह बुर्ज महल दे नौ दरवाजे नाल, पांच ख्वास है पहरी चौकी देन सवार, पांच ख्वास से कौन से, ये काम कर लो उनका
कभी काम नहीं पकड़े, कभी क्रोध नहीं, कभी लोभ नहीं, कभी मोह नहीं, अंदर जाने नहीं देते। एक महल दो बारियां, शिव शक्ति सुल्तान, खिड़की खोल दीदार देन, बहुत मान। ये महल है, ये आंखें दो खिड़की हैं बाहर काम करने के लिए, इसी में उलझी गए। आईज आर दी विंडोज ऑफ दी सोल, ईसा ने कहा है, ये बाहर काम करने के लिए हैं, इसी में उलझी गया। तीसरी अंदर खुलती है, वो खोल ले तो अंदर देखे क्या है, क्या चीज रखी है, बस इस तरह बाहर फार फिर ऊपर खासे महल देते हुए वहां खुदा है सत्य बहन न सुन सके रिया खुदा देगा है। यहाँ आए आंख भी खुल जाती है, अंदर देखने में लग जाता है, वहां आवाज भी सुनने लग जाता है, मार्ग दरगाह से आ रही है, क्या बच्चा तुझे ले चलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है पैगंबर की आवाज है खुदा मेरे सदा गोशे मन हम जो सदा। पैगंबर सब कहते खुदा की आवाज मेरे कानों में आम आवाज की तरह आ रही है, तुम्हारे कानों पर मोरे लगी हुई इसलिए नहीं सुन सकते। बाहर बातें सुन सुन के कान बंद हुए पड़े हुए, पढ़ते भी रोज है कि माजे देखना मिन करना सुनना पहन वजह चलना मिनता करना जी बाबा जी बोलने की जीवित मारना मन खुद पहचान के तुम खसम मिलना बिन पद चले सुने बिन करना कर बिन कर्म करे बिन नाना दूसरे दाद ने लिखा है। यही से ने कहा हैविंग आइज यू सी नॉट हैविंग इयर्स यू हियर नॉट, इन आंखों को होते हुए आप उसे देख नहीं सकते, इन कानों से उसकी आवाज सुन नहीं सकते, कर करके सारे ख्याल निकाले तो सुने कैसे सुने। हाँ जी हाँ जी, नौ दरवाजे नवे दर फीके, हाँ नौ दरवाजे नवे दर फीके रस अमृत दस में चुई जाए, कृपा 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 कर प्यारे, कृपा 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 कर प्यारे, गुण शब्दी हर रस पी जै, राम 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 सुन मन पी जै। विनती करते हैं मालिक तू मेहर कर, मैं तेरे शब्द का रस लूं, वो शब्द को सुनूं। जब वो मेहर करता है किस करता है, जिसको सच्ची तरफ सच्ची लगना, फिर कोई फकीर मंगाता है साथ संग मन सोबत जागे तब प्रभु नानक मीठा लागे, उनकी सोबत में वो क्या कहते हैं, उनकी सोबत में सब होशें आती हैं, सत्संगत मिल मत बुद्ध पाई और छूटे ममता जाल, हर नाम हर मीठ लगाना गुकी शब्द निहाल, की देश तेरे देश नहीं कौम तेरे कौम नहीं, यार देश तेरे नहीं, मां बाप बहन भाई तेरे नहीं, ये तन भी तेरा नहीं। सोच करते करते पता लग जाता, फिर कहते मेरा तो एक सतगुरी है, फिर जपता है मेहनत करने लगता है, मेरे माधव जी सत्संग मिले सुतरिया, गुरु प्रसाद परम पद पाया सुख के कष्ट हरिया। जैसे बाहर खड़ सुख दरख्त होते हैं पानी ना मिलने के कारण सूख जाते हैं, अगर पानी मिलने लग जाए फूट आते हैं, पत्ते निकल आते हैं, फल फूल लग जाते हैं, इसलिए आत्मा खड़ सुख हुई पड़ी है। सिमरन करने से उनको प्रेम की खुराक मिलती है, ये हरी होने लग जाती है, जैसे बहुत दरख्त होने ये निशानी मिलने लग जाती है, जो फकीर सिमरन बताते हैं वहां से उससे खुराक मिलती है। क्या नाम है वो, क्या निर्धन को धन, अंधले को टिक, माँ दूध जैसे बाले, जैसे बच्चे खुराक मिलती है माँ के दूध से, इसे सिमरन से भी खुराक मिलती है। ग्रंथ में लिखा है फिर आगे जाकर अमृत मिलता है। मीरा कहती मैंने ऐसे रटा राम राम रटे, कोई भागों वाला रटे, पुराने ख्याल भी निकल गए, पुराने कर्म भी खत्म हो गए, अमृत पीने लग गए। ये सिमरन करे कोई, हाँ हाँ जी हाँ, काया नगर नगर हनी को विच सौदा हर रस की जय, काया नगर नगर हनी को विच सौदा हर रस की जय, काया नगर नगर हनी को विच सौदा हर रस की जय।
काया देखने में 5-6 फुट की है, मगर इसमें अजीब खेल है, सब कुछ इसके अंदर रखा है। इसका अंदर सब कुछ वैसे खंड मंडल पाताला, इसका अंदर जग जीवन दाता वैसे सबना करके पाला, इसका अंदर नाम नाम पाइये गुरु के शब्द विचारा, इसका अंदर नाखून तुझे हाट पट मजारा, इसका अंदर ब्रह्म विष्णु महेश सब पूज्य संसारा, सच्चे अब खेर चाय आवागमन पसारा, सब कुछ के अंदर रखा है। नगर में बदमाश भी होते हैं, भले मानस भी होते हैं, इसके अंदर भी हैं। भले मानस कौन से हैं? शील सीमा संतोष तीर्थ विवेक दीनता प्रीति। बदमाश ये काम कर लो उनका, रिद्धियां सिद्धियां इसके अंदर हैं। एक विषय ने कहा, अब दो अंदर धुन नारा, कोई जाने का जाना नारा, यागट बीते बन और बस्ती यही में झाड़ पहाड़, बन बस्ती में इसके अंदर है। ये एक मुसलमान की ने लिखा है, अंदरा बहरो बियाबान जवाब सख्त में कर दो हमें ख्याल, इसके अंदर बड़े बड़े बियाबान हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, जिनकी बात हम बहन और ख्याल भी नहीं कर सकते। ये बियाबान दर बियाबान है वो, हम जो अंदर बहरे को रिखता रहे हूं। ये दुनिया उसके मुकाबले में ऐसी है जैसे समुद्र में एक वाड़ जितनी दुनिया पीछे लड़ के मर गए सारी दुनिया। चलो यागट पितर बाग बगीचा यही में सिंचन नारा, यागट पितर सूरज चंदा यही में नल नक्तारा, सब इसके अंदर है। सूरज चांद भी इसके अंदर है। मलरूम के पास कोई हीरा है, मर गया बहस करने, पूछा तो उन्होंने आते कहा, अगर तो आधी रात को सूर्य देखता मेरे से बात कर, वरना बात करने की जरूरत ही नहीं। वो कहने लगा, हजरत आधी रात को सूर्य कौन देखता है? कि वो पाक रूहें जो अंदर जाती हैं वो देखती हैं। ये गुणान सा ने बच्चों को कहा था आधी रात को कि सूर्य चढ़ा कि नहीं, दूसरे पूछा कि नहीं, गुरान साहब से पूछा कहा हाँ चढ़ा है कि जा कपड़े तो है, ये तो समझाने के लिए था। तारा चढ़े लम्मा को नजर निहाल राम पढ़ते हैं, सूर्य चांद इसके अंदर है। या घट भी काशी मथुरा यह में गढ़ किनारा, मीरा कहती है मैंने गंगा जमुना अंदर देखी है, वो प्राग इसके अंदर है, वो अमृतसर इसके अंदर है, ईड़ा पिंगला सुखना तीन वसिकाई बैनी संगम से प्राग मनोरंजन करते हैं, उसमें कब ना हो गए। अंत निर्मल अमृतसर नाया सदा सुचे सात समाया, काय अंदर अमृतसर सत्य मन पीवे पाई हो। ये अमृतसर तो गुरु रामदास ने बनाया, गुरु नानक ने जिक्र किया, नामदेव ने जिक्र किया, ये नमूने हैं हमारे लिए, इसी फंस गए। या कर पितर देवी देवा यही मिठा कर द्वारा कृष्ण मानव विराट स्वरूप दिखाया, देवी देव के अंदर दिखाया। या कर पितर तीन लोग का यही सृजन आ रहा, कहें कभी सुनो अब यही में गुरु हमारा सब कुछ इसके अंदर है। भाई गुरुदास ने लिखा है रोम रोम में त्रिलोकी की रचना है, सोच लो इतना खेल इसके अंदर है, सारे शब्द इसके अंदर है। जो करो का नगर नगर है इनको भी सौदा हरस कीजिए, ये आला से आला शब्द है, ये रस लेना। बाकी तो सबने किए, काम के किए, क्रोध के किए, शील के किए, शिवों के किए, सब किए, लेकिन ये रस किसी के लेने लिए हाँ, ये आला से आला शब्द है। हाँ हाँ काया नगर, हाँ जी काया नगर नगर है नीको बिच सौदा हर रस की जय, रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजे, राम 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 सुन मन पी। ये आला से आला शब्द है, रतन लाल अमोल अमोलक कीमती चीज है, कैसे मिलती है? सदगुरु सेवा लीजिए, सदगुरु प्रकट करे तब है, बहुत दूर है। राम नाम रतन कोठड़ीगढ़ मंदिर एक लुकानी, सदगुरु मिले तो खोजिए मिल ज्योति जो सुमानी। राम नाम रतन कोठड़ी गढ़ मंदिर एक लुकानी, ये मंदिर इसमें खास किला है, वहां साथ वो वहां रखा है, देख लो पढ़ते तुम्हारा तो बेचारा
दसम द्वारा पर काटी उपर हाट हाट विच आला आले विच धाती वहां पड़ा है अंदर जाए तो देखे पढ़ पढ़ के चले गए बस ये सौदा करना था वहां जाकर असली अमृत मिलता है वो खास जगह पे है वो बहुत सतगुरु जिसके पास सदगुरु से वाली जी सदगुरु पर करे तावा है सदगुरु कैसा है वो हाँ नहीं जी सतगुरु आगम आगम है ठाकर पर सागर भगत करी सतगुरु आगम मन बुद्धि कम तत् परे से परे ऊंची से ऊंचा है चौथे लोक में जाकर मिलते जिसकी शांति देने वाला जहां मरता है जिसमें तल हम रोज पढ़ते हैं आनंद भैया मेरी माया सतगुरु में पाया सतगुरु में पाया सहज से सहज वास्ता में मन वजिए बधाइया राग रतन परिवार प्रिंशाद गावड़ाइया सहज से सहज वास्ता वो त्रिलोक की पार चौथे लोक में है त्रै गुणों में सहज न पाए त्रै गुण परम पुलाए बड़ी गुणी कथे जो बुढ़ो को थे जाए चौथे पद में सहज गुणों पल्ले पाए वहां जाकर वहां जाए रोज पढ़ पढ़ के चले कभी ख्याल किया कि हमने वहां जाना है वो आनंद लेना है उन्होंने तो लिया हमारे लिए लिखा है वहां पाया है तुम भी जाओ वहां जाए तो आनंद ले कैसे ले आनंद भैया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु में पाया सह से मन वजिए बधाइया सोच लो कभी ख्याल ही नहीं किसी को पढ़ पढ़ के चले गए वहां जाए तो सदगुरु से मिले शांति मिले शांत अमृत मिले सदगुरु अगम अगम है ठाकर पर सागर पर क्रीजे इतनी भक्ति की जरूरत है जितनी एवड ऊंचा हो गए कोए तिस ऊंची को जाने सोए कौन सी ऊंचाई है उसे दीन तो गरीबी की हस्ती मिटाने की पहला मन कूल का जीवन की इच्छा डास हो सबकी रहन का तो आओ हमारे पास ले लो ये गुरु अमरदास का वचन है नंद भैया मेरी माया सतगुरु में पाया कैसे पाया हस्त को मटाकर दिन पर रात सेवा रात को किल्ली से केस बांध दे तब पाया कैसे सोच लो ये हस्ती को मटाने का मार्ग है कबीर रोड़ा हो रहा है बाट का ताजमहल का मां ऐसा तेरा दास होए ताही मिले भगवान ये सब कहते हैं अगर तुम मालिक से मिलना है तो क्या कर रास्ते का रोड़ा हो जा हरेक की ठोकर खा फिर कहते ये भी नहीं रोड़े से किसी चोट लगे कहते खे बन जा फिर कहते ये भी नहीं किसी किसी कपड़े खराब होंगे हाथ पांव खराब होंगे कि साफ पानी की तरह बन जा फिर कहते ये भी नहीं गर्म की जरूरत ठंडा मिल गया ठंडे की जरूरत गर्म मिल गया बहुत दुख कबीर पानी हुआ तो क्या गए जो सीधा ताता होए हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए अपनी हस्ती को ऐसे मटा जैसे मालिक ने मटाई हुई है वो सबका मालिक का कोई निशानी है कोई गालियां निकाले किसी रोटी बंद की इतनी हस्ती को मटाए तब वो चीज मानते दास अंदास होए तो हर पाए बिचो आप गवाई गरीबी कदा हमारी खनसरण सारी तीस को नटके बकारी गुरुपुरे अगर सारी सोच लो इन फकीरों की तालीम ही छोड़ दी सबने फरीदा जो तन मन मुकियां इन्होंने मारे कौन अपने घर जाइए पैर तेना दे चुम ईसा को पिटू ने पूछा हजरत अगर मेरा कोई दुश्मन मुझसे दुश्मनी करे मैं कितनी दफा माफ करूं पहले का सात दफा फिर कहते हैं मेरा मतलब ये नहीं भी एक दफा सात दफा सत्तर दफा सात दफा माफ करते ही जा सोच लो कहते अगर दाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो बाई आगे कर दे है ये फकीरों की ताली है मैं इतनी हस्ती को मटाया तब है क्यों करनी पड़ती इतनी दीनता अगर जरा सा झगड़े में पड़ जाए बस खत्म फंस गया सोच लो आगे से आगे बढ़ते ही जाता है कृष्ण खर हर देव खान रेत में बिखरे हो हस्ती चुने न जाई कह कबीर कुल जात पाता चींटी हो चुन खाई चींटी चुन सकती है हस्ती मटाए छोटा बने हम हाथी बने पड़े हैं मन हाथी है फिर कैसे जाए अंदर हस्ती को मटाए तब जाए हाँ
सतगुरु आगम है ठाकर पर सागर भगत करी जय। कृपा कृपा कर दीन हम सारा। भक्ति करनी है आसान है, लेकिन हस्ती मटाना नीवा नीचा होना ये बस सबसे मुश्किल है। सिम भी आसान है, ये सबसे मुश्किल है। हाँ, सिम से भी कहीं को अहंकार हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। कृपा कृपा कर दीन हम सारंग एक बूंद नाम मुख दीजे। राम 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 सुन मन पीजे। तो महाराज तुम मेहर कर मुझे एक नाम की कणी बख्श दे, क्यों यही असली खजाना है जो सब भूखे मिटाने वाला है। सच्चा नाम मेरा दार, सच्चा नाम आधार मेरा, जिनको खसा गुवाइया पाया मैं नाम रत्नान पायो। जिसको पाया दुख सुख भूले मन अंदर समाया, जिसकी चोरी कबू न हो मैंने पाया। खर्च लाभ खत्म नहीं हुए दिन वर्ष हुआ, ये असली खजाना है। कन्ने चल नाम धन और धन आवे जाए, इस धन को तसो जो न सकी तो चक्का ले जाए। सोच लो इसको काल महाकाल भी नहीं कुछ कर सकते, बाकी जितने कर्म धर्म वगैरह करते हैं वो रास्ते में लूट लेते हैं, इसके नजदीक नहीं आ सकते। कर्म धर्म पाखंड जल्दी से तिन जब जाकर तिल लुटे, निर्वाण कीर्तन का वो करते का निमक छूटे, निर्वाण कीर्तन का हो नाम का हो ये फकीर को फसल है। खर्च खजाना नाम धन ही पक्तन की रास, वैसे मांगते नहीं फिरते मालिक उनको, आप खुद खुद भेजता खजाने। ये असली खजाना है, ये सब भूखे मिटाने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। कृपा कृपा कर दीन हम सारंग एक बूंद नाम मुख दीजे। राम 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 सुन मन पीजे। राम 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 सुन मन पीजे। बगैर नाम के प्रकट किए हजारन जप तप बगैर घर शांति मकमर शांति नहीं। ना मिले मन तृप्ति बिना मित्र की जीवास, गुरमुख सज्जन जय मिले मैं दस प्रगुणतास। हाँ तिस्विटो चौकुनी में नाम करे प्रगास, फिर शांति तो नाम में है। फकीरों के जरिए को प्रकट किया जाता है। ये इधर फकीर हुआ है, उसने कहा है मन में संग भजोरे भाई, बिना नाम नहीं सुख पाए हो, छोड़ दे को खिलाई। न बादशाहियों में न राजों के पास है, न किसी और जगह है, न जपियों को मिला, न तपियों को, न शर दर्शन वालों को, किसी को नहीं मिला। सुख मिला है, शांति मिली है तो नाम की प्रकट करने से मिली है। हाँ जी, हाँ जी। कृपा कृपा कर दीन हम सारंग एक बूंद नाम मुख दीजे। राम 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 सुन मन दीजे। लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन को गुर दीजे। लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन को गुर दीजे। सुनाते हैं वो सतगुरु अंग्रेज है ललारी है, मन को दे तो रंगे, दीदी सब कुछ दे देती है पति को, लेकिन मन नहीं देती। इसे कोई भी मन नहीं देता फकीरों को। कबीर ये मैं मस्करा कहूं तो माने रोज, जा मार्ग साहेब मिले ताहे न चले कोस। कदम भी नहीं चलता उस तरफ, ऊपर ऊपर से बनता सेवक, अंदर से नहीं। दे लो मन के पीछे चलेगा, मदान देख लो भागता रहा। अनंतर बोले सब को मन मारे बिन भक्त ना होए, मन के बहुते रंग हैं छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई बिरला ही है, बिरला पूरा फायदा उठाता है।
दे तो रंगे कैसे अंदर जाए, कैसे रंगे, कैसे रंग चढ़े, लगारे को जाकर कपड़े दोगे तभी है सब पास जाए अंदर, तब आया क्यों जाता ही नहीं, सुन कर करके सब मेरे साफ करे तब आया, मैंने साफ हो वो फकीरों के संग में साफ होते हैं उनकी सेवा कर करके, जैसे वो कहें उस तरह करे उनके ऊपर मुताबिक चले, फिर ये साफ होता नहीं होता, मन की मत छोड़ता नहीं, मन की मत त्याग होगी जिन्हें हवा के ठहनी, ये सबसे मुश्किल काम है। काल बैठा है मन रूप में, इसको करने नहीं देता, इसको माने नहीं देता, वो गुप्त भाव उन संग सबके मन रंजन जानिए, मन पुरुष भेद छेद व्याप पर जानिए, उनकी बात माने नहीं देता। एक विषय ने एक जगह और लिखा है कि काल इसके साथ बैठा है वो फकीरों की बात माने नहीं देता, कदम कदम पे इसकी रुकावट डालता है। हाँ जी, अब फकीरों का हुक्म माने तो इसको खुद खुद सेवा करते करते भी सुन मरने लग जाता है। हाँ जी, गुरु निधि से सहसवाया सेवा सोते एक लिव लाए, रहन दिस प्रभ सेव को माने, हर मिलने की निशानी दिन प्रात, जो हुक्म करें सिम करे अगर आए सेवा करे, तन का प्यार छोड़े विश्व का छोड़े। हाँ हाँ जी, लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन को गुर दीजे, राम 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 रंग राते, राम 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 रंग राते, रस रस तटक नित पीजे, राम 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 सुर मन पीजे। जो फिर हुकुम में सेवा सुन करता है आहिस्ता आहिस्ता जल चित्रकांड खुलने लगता है, शांति आने लग जाती है, जैसे जैसे विद्या वसने लग जाती है वो राम भी वसने लग जाता है, जो भक्ति की त्यों तो रामवास, जो जो अंदर जाता है आगे से आगे आगे से आगे आला से आला रस मिलता है। अब पहाड़ की तरफ जाओ यहां से चलो, जो जो आगे जाओ ठंड, चोटी पे जाओ पूरी ठंड देख लो, इसी तरह जो जो अंदर जाओ अंदर शांति अमृत आला से आला अमृत है, असली त्रिलोकी से पार जाकर मिलता है। कह कबीर जन गाय के सुनो संत ज्ञान, नीचे त्रिलोकी रहे ऊपर सतगुर ना, बंधन तीन लोक बापरा कैसे दस लहे, नाम निशान सगल जग ऊपर दादू देखता है, वहां शब्द है नाम है वाणी असली है जिसमें अमृत है, जो सब दुख दूर करने वाली है जिसके मुताबिक हम रोज पढ़ते हैं, नंद सुनो बट पाग्यो सगल मनोरथ पूरे कब हुए, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे, कहते हैं ब्रह्म है पार ब्रह्म है, ईश्वर है परमेश्वर है, अल्लाह है अल्लाह हुआ अल्लाह हु अकबर है, वहां जाए तो मिले दुख रोग संताप कर सुनी सच्ची वाणी, वहां सच्ची वाणी आ रही है, ये वाणी कहती तेरे अंदर और वाणी है, कट अंतरे सच्ची बाणी सचो अपने ना, फिर अनहद बाणी है सचो उसके ऊपर सच्ची बाणी है, वो सब दुख दूर है, अगर दुख दूर नहीं हुए तो सच्ची बाणी से तल्लक ही नहीं पड़ा, न शब्द बूझे न जाने बाणी मन मुहे दुख व्याणी, उसमें अमृत है वो शांति देने वाली है, वहां असली अमृत है। हाँ हाँ जी, राम 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 रंग राते, राम 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 रंग राते, रस रस कटक नित पीजे, राम 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 सुन मन पीजे, राम 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 सुन मन पीजे, हर हर नाम अमृत रस मीठा, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुणवत सहजे पीजे, राम 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 सुन मन पीजे।
वसुधा सपत दीप है सागर कड़ कंचन काढ़ तरी जय। वसुधा सपत दीप है सागर कड़ कंचन काढ़ तरी जय। मेरे ठाकर के जन इन्हें ना बाचे, मेरे ठाकर के जन इन्हें ना बाचे, हर मांगे हर रस दीजे। राम राम रामो सुन मन की। फरमाते हैं कि जिसने वो रस लिया, अगर उसके पास इस दुनिया की सात लहरें सात समुद्र सारी दुनिया की दौलत तो इकट्ठी करके रख दें, उनसे पूछिए ये लेना है कि हर रस लेना है, इस तरह मुंह ही नहीं करते, ऐसी हालत दौलत है वो। शुद्धा सब दीप है सागर कट कंचन काट के दीजिए, मेरे ठाकुर के जाने में मांग हर मांगे हर रस दीजिए। सोच लो ऊंची चीज वो है जिस दौलत के लिए हम मरते हैं, पैसे पैसे के लिए सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करके रख दो, हीरे मोती जोहरा जो भी है, फिर भी उस तरह मुंह नहीं करते। राज न चाहो मुक्त न चाहो प्रीत चरण कमला रे, बल्कि संत चरण मुक्त को नहीं पदार्थ चार, नहीं पदार्थ चार मुक्त संतन की चेरी, रिद्ध सिद्ध पर थुके स्वर्ग की आसना हेरी, किस चीज की इच्छा नहीं, वो हर रस चाहते हैं। यही महात्मा चरणदास ने लिखा कि रिद्धि सिद्धि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मालिक तू चाहिए। रावसी ने लिखा है क्या मालिक ये दुनिया के सामान जो है वो अपने निंदकों को दे दे, सुरूष के चांद चाहवानों को दे दे, मुझे तो एक तू चाहिए बस और कुछ नहीं, तेरा रस चाहिए। जब लब कुंठ की आस तब हो न चरण नमाज पढ़ते भी हैं, ये वैसी दौलत है। हाँ हाँ जी वसुधा सपत दीप है सागर कड़ कंचन काट तरी जय। मेरे ठाकर के जन इन्हें न पाछे, मेरे ठाकर के जन इन्हें न पाछे, हर मांगे हर रस दी जय। राम राम रामो सुन मन की जय, राम राम रामो सुन मन की जय। हर हर नाम अमृत रस मीठा, हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहजे पीजे। ये दुनिया चीजें ख्वाहिश करता है, बस ये रोके बैठे हैं। एक बादशाह दूसरे मुल्क में गया, जब वापस आने लगा उसके साथ रानियां थी, सबको लिख दिया जिन्हें कोई चीज मंगानी हो, इन्हें कुछ लिख दिया, इन्हें कुछ लिख दिया, इन्हें कुछ लिख दिया। एक छोटी सी कमली कहते थे उसको पागल, वो कहने मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तू ही चाहिए। जब वो आया सब कुछ इसे दे दी, आप उसके पास चला गया, उसके पास तो सब कुछ आ गया, फिर उसको मांगे तो सब कुछ खड़ा है ये। हाँ जी हाँ साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करी जय। साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करी जय। तावत ताए तावे प्रीत माया, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को बिठ दी जय। राम राम रामो सुन मन की जय। साकत जो मनमुख है जिन्हें वो रस नहीं लिया, मनमुख कौन है, से मनमुख जो शब्द पिछाने जिन्हें शब्द का रस नहीं लिया,
वो मनमुख हैं, वो साकत हैं, उनके पर कितनी दौलत हो, कितने सम्मान हो, कितने तीर बाल बच्चे हो, उनका पेट भरता ही नहीं। कभी रोंदी खोपरी कभी धापे ना है, तीन लोग की संपदा कबा पे भरना है। उनसे चाहे 1,000-2,000 देके किसी गला कटवा लो, सोच लो ये दौलत आला सारी दुनिया साकत है। बारी बार फिर रही है, ये रस लेना था का, ये शांति लेनी थी, ये अमृत पीना था, ये आला से आला खजाना है। हाँ हाँ जी हाँ साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करी जे। साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करी जे। तावत ताए तावे पीत माया, तावत ताए तावे पीत माया, लख पोषण को बित दीजे। राम 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 सुन मन कीजे, राम 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 सुन मन कीजे। हर 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 जन उत्तम, क्या उपमा तिन की दीजे। हर 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 जन उत्तम, क्या उपमा तिन की दीजे। राम नाम तुलियार न उपमा, राम नाम तुलियार न उपमा, जन नानक कृपा करी जे। राम 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 सुन मन कीजे। तुम आते हैं कि जिन्होंने वो रस लिया हम उनकी क्या उपमा करें। जिन्होंने दो चीजें उत्तम है, एक मालिक सतगुरु, ठीक है उसके बाद कदम मल का रूप बन गए, उनसे काम लेता है। गुरु के सेवक सतगुरु प्यारे, वो बैसा तभी शब्द विचारे, ऐसे कैसे काम करें, सोच लो कैसे समझाए। प्रभु जी वसे साथ की रचना, हमारा प्रथा बड़ा वेखी आपके संत रहावे, वो मालिक रूप बन गए। मालिक में कोई फर्क नहीं, हर हर जन दो एक है, दिव्य विचार कुछ नाए, जलते प्रिय तरंग ज्यों जली माए सुमाए। फिर वापस में मिल जाते मालिक में, मालिक का रूप बने, दे तो समझाने के लिए एक आला है। उन्होंने सब रूप क्या था, शब्द था। गुरु अमरदास का क्या था, शब्द था। उन्होंने सब शब्द था, शब्द ही काम करने वाला, दे को पकड़ के बैठ जाते हैं। दे तो समझाने के एक आला है, हाँ ये ठीक है। मास्टर के पास जाओ, अपनी विद्या ने काम देना है, लेकिन जितना उनसे प्यार करोगे उनके हुक्म में उतनी विद्या आएगी। इसी से संतों से प्यार करके वो विद्या अंदर निकालनी पड़ती है, शब्द का रस लेना पड़ता है। काम तो उसने देना है अंदर, सतगुरु ने अपनी विद्या काम देती है, इसी से अंतरण सतगुरु काम देता है। गुणा स्वरूप या शब्द नानक आद अंगत अमर सतगुरु शब्द सुमाया, तन तन गुरु रामदास गुरु जिन पर स्पर्श मिलाया। नाम स्वरूप था, शब्द था, ये प्राणी पैंकी गुरु अंगद साहब बैठ गए, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, अब कहते मेरे मेर की है। काम करने वाला तो वो शब्द ही है तो नहीं। हाँ जी डॉक्टरी ने काम देना, दे तो एक औजार है, तो फलाना डॉक्टर मौके मौके पर ही है, भी ऐसे ही है। हाँ उनके जरिए सीखा जाता है। हाँ जी हर 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 जन उत्तम, क्या उपमा तिन की दीजे। तो ईश्वर ने तो खास खोला है, गुरु क्या है देखो, सदगुरु चिन्ना ना है, भाव सागर की धार में फिर गुरु होता था। हाँ हाँ जी
हर 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 जन्म उत्तम क्या उपमा तिन की दीजे। राम नाम तुल आर ना उपमा, राम नाम तुल आर ना उपमा, जन नानक कृपा करीजे। राम 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 सुन मन पीजे, राम 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 सुन मन पीजे। हर हर नाम हर हर नाम अमृत रस मीठा, गुरमत सहज पीजे। राम 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 सुन मन पीजे, राम 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 सुन मन पीजे, राम 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 सुन मन पीजे। चलो भाई, फिलहाल तो प्रोग्राम रखने का था, लेकिन कुछ से ठीक नहीं, बार बार नाम दान है। चलो हमें बैठाओ, फिर जाना है। दम दम सतगुरु तेरा ही आसरा। सात संगत तो इसी तरह बैठी रहे, थोड़ी देर बैठ जाओ, खड़े ना हो, बैठ जाओ, बैठो। हाँ तू भी तो नाम देने बंद कर देना और के। चलो कोई नाम नहीं देते भाई, अब बंद रसूल तो ठीक नहीं रखते। अब अंदर माफी मांगो, दो दो चार चार घंटे बजन करो, तब ठीक आएगा काम। अब सत्संग की कार्रवाई समाप्त हो रही है, जब तक पूज्य मिले साहब अंदर ना चला जाए अनामी में, सात संगत इसी तरह बैठी रहे। आगे जो सत्संग का प्रोग्राम है वो 1 और 2 फरवरी को होगा। 1 फरवरी शाम को 3 बजे सत्संग होगा और 2 फरवरी को सुबह 9 बजे सत्संग होगा। अभी जिन प्रेमियों ने नामदान लेना है उनको सत्संग के बाद अभी नामदान दिया जाएगा। नाम रास्ता लेने वाले यहाँ सामने बैठ जाएं। सत्संग के तुरंत बाद संगत को लंगर खिलाया जाएगा। सभी प्रेमी लंगर खा के यहीं से पूज्य निजी साहब जी की तरफ से जिन्होंने जाना उनको इजाजत है। धन धन सतगुरु तेरा यासरा। जो प्रेमी बाहर जाएंगे वो 4:30 बजे के बाद बसें नहीं चलेंगी, जिन्हें जाना है वो पहले ही अपने टाइम से चले जाएं। धन धन सतगुरु तेरा यासरा। बस हमें बैठा लो, तो बेचारे जाना होना, गड्डियां नहीं मिलती हैं। नंदन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिन माताओं बहनों वीरों बुजुर्गों को खुशी से नाम लेना हो भाई, वो अभी स्टेज के आगे इधर बीबियां बैठ जाएंगी, यहाँ बंदे बैठ जाएंगे। नंदन सतगुरु आज मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो जिंदा राम। आज मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो जिंदा राम। Thank you.
तेरे जैसे पापी तारे तुम हो दाता बख्श तारे तेरे जैसे पापी तारे तुम हो दाता बख्श तारे मेरी लाज सतगुर हाथ तुम्हारे मेरी लाज सतगुर हाथ तुम्हारे ओ अविनाशी रे ओ अविनाशी रे दर्शन दो चारा आज मोरी अखियां प्यासी रे दर्शन दो चारा I'm
मजदार तुम्हारा, मजदार तुम्हारा।
खाक सर कर दियो, मेरी बूंद को खाक सर कर दियो, निमानी जई एक नजर कर दियो, निमानी जई एक नजर कर दियो, मेरे वाले दाता मैं सेवक सदा तेरे दर दा रहा, मैं सेवक सदा तेरे दर दा रहा, ते तारीफ तेरी मैं करदा रहा, ते तारीफ तेरी मैं करदा रहा, मेरे दिल ते अपना, मेरे दिल ते अपना असर कर दियो, मेरे दिल ते अपना असर कर दियो, निमानी जी एक नजर कर दियो, निमानी जी एक नजर कर दियो, मेरे वालिदा ता मेहर कर दियो, मेरे वालिदा ता पुल बैठा मानू गवारा नहीं, तू पुल बैठ